नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे दिव्य रत्नों के बारे में बताऊंगा जिनको सभी 12 की 12 राशि एवं लगन वाले जातक पहन सकते हैं, अर्थात इन रत्नों के पहनने में कोई भी बाउंड्री नहीं है, सभी इनको धारण कर सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में, चाहे आपकी कोई भी लगन की जन्म कुंडली है, उसमें ग्रह स्थिति क्या होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में वह रत्न पहने जाते हैं और कौन से वह रत्न हैं, यह आज की चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहु के प्रिय रत्न गोमेद के विषय में और केतु के प्रिय रत्न लहसुनिया के विषय में। साथियों, राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, इनका किसी भी राशि के ऊपर स्वामित्व नहीं होता। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु 3, 6, 10 और 11 तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश भाव में विराजमान है, चाहे राहु वहां पर हो या केतु, तो ऐसे में तृतीय, षष्ठ, एकादशे सर्वे पाप ग्रह सर्वारिष्टम निवार्येत, इस सूत्र के अनुसार आपका प्रबल और प्रबलतम राजयोग राहु और केतु बनाते हैं। वैसे तो राहु, केतु, शनि और मंगल और सूर्य जो पाप या क्रूर ग्रह हैं, वह 3, 6, 10, 11 में जाने पर राजयोग बनाते हैं। लेकिन आज की चर्चा विशेष रूप से राहु केतु के विषय में है। तो जन्म कुंडली के जो भाव मैंने आपको बताए, वहाँ पर राहु और केतु के जाने पर, अगर राहु 3, 6, 10, 11 में है तो आप गोमेद पहनिए और केतु आपकी जन्म कुंडली में 3, 6, 10, 11 में है तो लहसुनिया पहनिए। साथियों, ऐसा करने से बहुत ज़बरदस्त आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी, पद प्राप्ति के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के कुदरत से, प्रकृति से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे भविष्य में भी राशि रत्नों की विशेष अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।